नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। सुनील डिंपल ने संघर्ष विरामियों पुंछ सेक्टर एक सेना के जवान शहीद के लिए एंटी चाइना एंड पाकिस्तान प्रोटेस्ट नेतृत्व किया। डिंपल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसे चीन पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करने, दोनों के साथ सभी संधियों को खत्म करने और चीन के साथ भारतीय लद्दाख क्षेत्र को खाली करवाने की मांग की। उन्होंने पीएम मोदी से चीन के सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने, चीन के साथ सभी अनुबंध, बुलेट ट्रेन, रेलवे लाइनों को रद्द करने और चीन और पाकिस्तान पर युद्ध सर्जिकल हवाई हमले शुरू करने की अपील की। जम्मू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज 24। चाइना के और पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी आप चाइना की तमाम चीजों का भारत में इंपोर्ट करना बंद करें, उस पर प्रतिबंध लगाएं। और जिस प्रकार से चाइना ने हमारे निहत्थे 20 सैनिकों की शहादत की है, सूत्रों के मुताबिक हमने भी उनके 50 सैनिक शहीद कर दिए हैं और उनके कर्नल को अभी तक हमने पकड़ करके रखा हुआ है। हम जो मांग कर रहे थे कि खून का बदला खून से लिया जाए और वो बदला हम लेकर के रहेंगे। आज भी पाकिस्तान फौज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन पुंछ में किया जा रहा है, उसके विरोध में भी इमरान खान और पाकिस्तान के विरोध में रैली निकाल करके हम ये मांग कर रहे हैं कि जो शहीद हमारा वहाँ बॉर्डर के ऊपर हुआ है उसके खून का बदला खून से लिया जाए और पाकिस्तान और चीन के को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उनके साथ तमाम चीजों को बहिष्कार किया जाए। इसके साथ साथ हम ये घोषणा कर रहे हैं कि तमाम व्यापारी संगठन, तमाम दुकानदार शोरूम वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर अपनी तमाम चाइना की चीजों को खत्म कर दें और उसके बाद हम चाइना की चीजों को लेकर के जो भी बेचेगा भारत में हम उसको बेच